ये फतह मक्का जब हुआ था तो ये यहाँ पे नमाज पढ़ी। ये उस साइड पे देखो वो मस्जिद शजर है, इस्लामाबाद में बेकार पैदा हुए हो। इसे कहते हैं मस्जिद शजर, ठीक है। और ये हम आ चुके हैं जी गारे हीरा के पहाड़ पर। अब हमने इसके ऊपर जाना है और फिर हम आपको दिखाएंगे कि गारे हीरा में कैसे अंदर जाया जाता है और वो अंदर से कैसे है। और ये देखिए यहाँ से गुजरकर हमने गारे हीरा के अंदर जाना है। तो 25 से 30 मिनट के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह गारे हीरा में पहुँच चुके हैं। अब हम यहाँ पर करेंगे नवाफिल अदा। ये देखिए एक तरफ कर रहे हैं मर्द, दूसरी तरफ औरतें। गारे हीरा से एक अलग तरह की खुशबू आती है इसके अंदर से। नवाफिल अदा करने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं मीना की तरफ। तो ये है जी मुजल्फा। इस रोड को मुजल्फा कहा जाता है जिस पर हज के दिनों में जो हजाज हैं वो चलकर मक्का की तरफ जाते हैं। तो ये आ जाता है जी मीना। ये वो खेमे हैं जिसमें हज के दौरान जो हमारे हजाज हैं वो यहाँ पर क़याम करते हैं, यहाँ पर स्टे करते हैं। और ये हम आ चुके हैं मैदान अराफात। ये वो मैदान है जिसमें क़यामत के रोज़ तमाम इंसानों को इकट्ठा किया जाएगा और उनका हिसाबो किताब होगा। दुआ है अल्लाह पाक हमें हिसाबो किताब में आसानियाँ पैदा करें। और अब जो ये सामने आपको छोटा पहाड़ नज़र आ रहा है इसको कहा जाता है जबले रहमत। इसके ऊपर जाते हैं और आपको बताते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है और लोग यहाँ पर क्यों आते हैं। तो ये हम आ चुके हैं जबले रहमत के ऊपर। ये वो मकाम है, ये वो पहाड़ है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को यहाँ पर मिलाया गया था। एक छोटी सी गलती की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेज दिया गया था सज़ा के तौर पर और दोनों को अलग अलग भेजा था। 40 साल के बाद जो हमारा कलमा है, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो कलमे के एंड पर मुहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है उसका वास्ता देकर अल्लाह पाक से माफ़ी मांगी थी, तब जाकर हमारे अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की माफ़ी को कबूल किया था। उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें 40 साल एक दूसरे से दूर रखा गया। और सोचे हम यहाँ पर रोज़ाना कितनी गलतियाँ करते हैं, कितने गुनाह करते हैं। दुआ है अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को हिदायत अता करें और हमें हमेशा तौबा करते रहना चाहिए। इस मुकाम को कहा जाता है मुकाम इब्राहिम। ये काबा शरीफ के बिल्कुल सामने ही मुकाम इब्राहिम है। और ये देखिए सामने आप, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जिस चीज़ के सामने, जिस घर की ज़ियारत कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक हुई थी। यहाँ पर अब सऊदी गवर्नमेंट ने लाइब्रेरी बना दी है और हम अंदर जा भी नहीं सकते।
और इस तरफ ही आ जाता है जमजम का कुआं। तकरीबन जमजम के इस कुएं को 4000 साल हो चुके हैं और ना ही इसमें कोई पाइपलाइन है जिसकी वजह से इसमें पानी है, ये बस मेरे अल्लाह की कुदरत है। आज तक इस कुएं में से पानी ख़त्म नहीं हुआ और ता क्यामत इसमें पानी आता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। और ये देखिए, ये है जमजम का कुआं, इसके साइडों पर नल लगे हुए हैं जहाँ पर लोग वजू करते हैं। और ये देखिए, ऊपर से बिल्कुल कवर कर दिया है इन्होंने। तो ये देखिए, यहाँ पर असर की नमाज का वक्त होने वाला है और आप यहाँ पर रश देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितना रश है और कितने लोग यहाँ पर उम्रे की ज़्यारत हासिल करने वाले हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये पहुँच सके और लोगों को इन्फॉर्मेशन हो सके और लोग इस चीज़ की ज़्यारत कर सकें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको मदीना की तमाम ज़्यारतों के बारे में बताएँगे और दिखाएँगे। तो हमें दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।